ऑक्सीएसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. इससे पहले जो हम मेजर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट वाज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमने तीन किस्म के जो ऑक्साइड्स हैं उनको डिटेल के अंदर देखा है, उनकी प्रिपरेशन एंड मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस. जो इनिशियली हमने ऑक्साइड देखा दैट वाज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड में N2O होता है. इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, प्रिपरेशन और मुख्तलिफ इसके केमिकल रिएक्शंस देखे थे. इसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरा जो ऑक्साइड देखा दैट वाज नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने देखा था कि इसको हम सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन इसमें लगा हुआ होता है. और फिर तीसरे नंबर पे जो हमने ऑक्साइड देखा दैट वाज नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन परऑक्साइड, इसका फॉर्मूला था NO2. हमने इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन की देखी कि N2O के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और नाइट्रोजन परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +4 होती है. इसके अलावा देर आर टू अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिनको हमने नहीं देखा था. उनके अंदर एक ऑक्साइड जो है इट इज़ कॉल्ड नाइट्रस एनहाइड्राइड एंड देर इज़ अनदर वन विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक एनहाइड्राइड. इन दो की हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, सिर्फ हमने ये कह दिया था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं और ये होते क्या हैं एग्जैक्टली, ये आज आपको इनके बारे में आपको समझ आएगी. ये जो दो ऑक्साइड्स थे इनका ताल्लुक जो है वो ऑक्सी एसिड्स के साथ होता. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स, लेट्स डिफाइन ऑक्सी एसिड्स. ऑक्सी ऑक्सीजन से वर्ड निकला है, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन के वो एसिड्स जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के एसिड्स जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं. ओवरऑल इफ यू वॉन्ट टू कैटेगराइज दीज types of acids, there are two types of oxy acids of nitrogen. दो किस्म के oxy acids हैं. एक जो oxy acid है उसको हम कहते हैं nitrous acid and जो दूसरा oxy acid है इसको हम कहते हैं nitric acid. और definitely आप ये पहली दफा लफ्ज नहीं सुन रहे, आप इससे पहले काफी reactions में पढ़ चुके हो nitrous acid को. It is HNO2 and nitric acid is HNO3. अगर आप ऊपर गौर करो, मैंने आपको कहा था दो ऑक्साइड जो हैं वो अभी आपने नहीं पढ़े, इनके नाम क्या थे, नाइट्रस एनहाइड्राइड एंड नाइट्रिक एनहाइड्राइड. नाउ डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब है N मतलब निकाला गया, हाइड्राइड हाइड्रा से निकला है, यानी वाटर अगर किसी चीज़ के अंदर से निकाल दिया जाए तो उसको फिर एनहाइड्राइड बोलते हैं, या एनहाइड्रस कंपाउंड्स आपने अक्सर लफ सुना होगा. एनहाइड्रस कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर से वाटर जो का मॉलिक्यूल एक निकाल दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट .5H2O ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अलबत्ता इसके अंदर से अगर आप ये 5H2O निकाल दो तो पीछे सिंपल CuSO4 बच जाता है. इसको हम बोलते हैं दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड दिस इज क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म के अंदर हाइड्रस कॉपर सल्फेट आप इसको कह सकते हो. ठीक है, सो नाइट्रस एनहाइड्राइड का मतलब है कि अगर नाइट्रिक एसिड के अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए और अगर नाइट्रस एसिड में से, और नाइट्रिक एनहाइड्राइड का मतलब है अगर नाइट्रिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अगेन अपने आज के मेजर जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड की हमने आज प्रिपरेशन देखनी है एंड केमिकल रिएक्शंस. जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि नाइट्रस एसिड जो है वो नाइट्रस एनहाइड्राइड से मिलती जुलती चीज़ है. नाइट्रस एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अभी हम देख लेते हैं. नाइट्रस एनहाइड्राइड बेसिकली N2O3 को कहते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर ये दोनों नाइट्रोजन आपस में सिंगल बॉन्डेड होते हैं. इस वाले नाइट्रोजन के साथ एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है.
दिस इज कॉल्ड डाई नाइट्रोजन, क्योंकि दो नाइट्रोजन हैं इसमें, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी हम इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एनहाइड्राइड और डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन लगे हुए हैं. इस स्ट्रक्चर के अंदर आप अगर देखो, अगर मैं यहां से सेंटर से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं, ठीक है, अगर मैं सेंटर से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दूं और इसको पानी के साथ डिसॉल्व कर दूं, तो क्या होगा कि N डबल बॉन्ड O और साथ एक आम खाली है, और N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O यूं करके खाली हो गया. और इस वाले के साथ अगर मैं पानी, क्या होता है एच और ओ एच को कहते हैं ना, अगर इस वाले के साथ मैं ओ एच आके लगा दूं और इस वाले के साथ में H आके लगा दूं यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर, अब आप देखो ये दोनों क्या स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, N डबल बॉन्ड O के साथ एक OH लगा हुआ है, ये भी N डबल बॉन्ड O के साथ एक OH लगा हुआ है. ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये नाइट्रस एसिड कहलाते हैं. अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने नाइट्रस एनहाइड्राइड जिसके अंदर से पानी निकला हुआ था उसके अंदर मैंने पानी वापस डाल दिया है, यानी H2O वापस डाला है, तो क्या हुआ है OH और H इसके दो हिस्सों के तरफ जाके अटैच हो गए हैं, ठीक है, और आपके पास ये वाले मॉलिक्यूल्स दो अचीव हो गए हैं और इनको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड. सो जो सबसे पहला प्रिपरेशन की टेक्निक है वो भी एग्जैक्टली यही है कि आप नाइट्रस एनहाइड्राइड लो, एनहाइड्राइड जो कि N2O3 है, आप N2O3 के अंदर अगर वाटर ऐड कर दो तो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स HNO2 के बन जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा एक और जो इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, एक और मेथड से भी की जा सकती है, इसमें आप क्या करते हो कि आप बेरियम नाइट्राइट लेते हो, बेरियम नाइट्राइट, और आप इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हो. बेरियम नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला होता है, बेरियम इज पॉजिटिव 2 चार्ज्ड और नाइट्राइट जो होता है ये NO2-1 को कहते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है BaNO2 होल ट्वाइस. बेरियम नाइट्राइट का अगर आप रिएक्शन करवाओ विथ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, सो व्हाट हैपेंस कि सिंपल आप एक तरह से कह लो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, बेरियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और H और NO2 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन और दो NO2 हैं तो ये दो दफा HNO2 बन जाएगा और साथ में Ba+2SO4-2 BaSO4 बन जाएगा. सिंपली आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है. बेरियम नाइट्राइट जो कि एक सॉल्ट है, अगर इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो बेरियम आयन जो है वो सल्फेट के साथ मिलके एक और सॉल्ट बना देता है, बेरियम सल्फेट, और साथ में आपके पास नाइट्रस एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है. सो लेट्स रिपीट द टू प्रोसीजर्स इसको प्रिपेयर करने के. एक तो ये कि आप नाइट्रस एनहाइड्राइड लो जिसको हम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी अभी मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, एक नाइट्रोजन के साथ एक नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और इस वाले नाइट्रोजन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी होता है. फिर आप क्या करो कि दोनों नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, और बीच में आप पानी ऐड कर दो. पानी ऐड करोगे तो यहाँ पे आके OH लग जाएगा और यहाँ पे आके H लग जाएगा. ये आपके पास एक मॉलिक्यूल HNO2 का हो गया और ये एक और मॉलिक्यूल HNO2 का हो गया. HNO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें एक नाइट्रोजन होता है जिसने तीन बॉन्ड्स बनाने हैं ना, दो तरफ इसके ऑक्सीजन और एक तरफ इसके OH लगा हुआ होता है, ठीक है. इसमें भी देखो दो तरफ इसके ऑक्सीजन और एक तरफ इसके OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरह आपके पास दो मॉलिक्यूल्स HNO2 के प्रोड्यूस हो जाते हैं ऊपर. सेकंड जो प्रोसीजर हमने देखा कि अगर बेरियम नाइट्रेट जो है जो कि एक सॉल्ट, सॉरी बेरियम नाइट्राइट, अगर इस सॉल्ट का रिएक्शन करवाओ विद सल्फ्यूरिक एसिड तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ एक सॉल्ट बना देता है, बेरियम सल्फेट. और सेकेंडली आपके पास जो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्राइट्स मिलके बना देते हैं नाइट्रस एसिड. NO2-1 को हम नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है. और बेसिकली ये जो नाइट्रस एसिड है इसमें भी एक प्रोटॉन H+ के साथ एक नाइट्राइट ही जुड़ा हुआ होता है NO2-1, तभी ये HNO2 बना हुआ होता है, ठीक हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन. प्रिपरेशन हमने देख ली, अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम आज देख लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज,
जो नाइट्रस एसिड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि नाइट्रस एसिड विच इज़ एच एन ओ टू, इसका मैं स्ट्रक्चर एक दफ़ा रीड्रॉ कर देता हूँ. एक तरफ ओ एच होता है नाइट्रोजन के और एक तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है. अगर आप इसको एज इट इज़ ब्रेक करो, डीकम्पोज करो, सो व्हाट हैपेंस इज़, अगर आप इसको डीकम्पोज करो, वो डीकम्पोजिशन जो है ये हर टेम्परेचर पर हो रही होती है इसकी. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हीट करोगे तभी डीकम्पोज होगा. इवन एट रूम टेम्परेचर नाइट्रस एसिड जो है थोड़ा अनस्टेबल होता है और ये डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है. ये डीकम्पोज होके क्या बनता है? अगर ये डीकम्पोज होके दो चीज़ें मेजर बनाता है, एक नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड में चेंज होना शुरू हो जाता है और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में वाटर रिलीज होता है. अच्छा, इस तरीके से समझना इस रिएक्शन को कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है. अब मैं आपको इसको आसान जुबान के अंदर समझाता हूँ ये बात क्या हो रही है. नाइट्रस एसिड, इसके स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, दिस इज बेसिकली एच एन ओ टू. अगर इस पे देखो हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज है, नाइट्रोजन के चार्ज को प्लस एक्स कर दो, दो ऑक्सीजन का चार्ज माइनस फोर हो गया, ओवरऑल चार्ज जीरो है. तो यहाँ से एक्स की अगर आप वैल्यू निकालो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स कम्स आउट टू बी प्लस 3, ठीक है. यानी नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस 3 होता है. अगर आप नाइट्रिक एसिड पे चार्ज देखो ऑन नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रेट इन्वॉल्वड है और यहाँ से इसी तरीके से प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड यू इक्वेट दैट, यहाँ से चार्ज प्लस 5 निकलता है. और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड में आप चार्ज निकालो प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू है ये प्लस 2 निकलती है. सो बेसिकली हो ये रहा है कि यहां पे जो नाइट्राइट आयन है आपका, वो एक दफा ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और एक दफा वो रिड्यूस हो रहा है. और अगर एक ही रिएक्शन में, आप इससे पहले ये पढ़ चुके हो, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट हो ए और वो बी और सी में स्प्लिट हो रहा हो इस तरीके से कि ए को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो बी बने और ए को अगर रिड्यूस किया जाए तो सी बने, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम केमिस्ट्री की जुबान में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं. और नॉर्मली इससे पहले भी आपने जब ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े थे तो उसके अंदर भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आ रहा था. फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था लेड नाइट्रेट को आप अगर डिकम्पोज करो एंड ब्लाबला, तो उसमें भी यही होता था कि एक ऑक्सीडेशन से एक प्रोडक्ट बनता था और एक रिडक्शन से प्रोडक्ट बनता था. तो अगर इसको रेडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, क्योंकि आप डेफिनेटली आप काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है नाइट्राइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर, आपको नाइट्राइट आइन जो है एनओ टू माइनस वन, दिस इज चेंजिंग इनटू नाइट्रेट आइन्स, यही हो रहा है ना. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की नाइट्राइट के अंदर, अभी ऊपर हमने इक्वेट की थी, नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इज प्लस 3 एंड नाइट्रेट के अंदर प्लस 5. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, प्लस 3 से ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस 5 पे आ रही है नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद आ रही होगी या देने के बाद? चार्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पहले तो ये देखो चार्ज बढ़ रहा है. चार्ज के बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं. सो दिस बेसिकली दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं. सो बेसिकली चार्ज दो बढ़ा है तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे इस पूरे के अंदर से, ठीक है. तो यहाँ से मैं इनके चार्जेस अब हटा देता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन्स आपने बीच में से निकाल दिए. अब दूसरा आपको एक रिडक्शन रिएक्शन भी एक दफ़ा लिखना पड़ेगा. रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि वो भी NO2 ही ग्रुप का होगा. नाइट्राइट जो है ये इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ये नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. नाइट्राइट के अंदर यू सॉ के चार्ज वॉज प्लस 3 और नाइट्रिक ऑक्साइड में चार्ज जो होता है वो प्लस 2 होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका फर्क पड़ रहा है और चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. ये रिडक्शन रिएक्शन है. तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आपको? नहीं क्लियर? क्यों नहीं क्लियर? देखो ये सिंपल सी बात हो रही है. नाइट्राइट जो है वो, आप सबसे पहले तो रिएक्शन के अंदर देखो ना, रिएक्शन क्या था असल में कि नाइट्रस एसिड जो था वो नाइट्रिक एसिड के अंदर
नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर चेंज हो. वाटर तो चलो वाटर है ना, उसको तो निकाल दो. दो मेजर जो आपके पास कंपोनेंट्स थे ना, वो जो प्रोड्यूस हो रहे थे, एक नाइट्रस एसिड सॉरी एक नाइट्रिक एसिड और एक नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था. नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली तो प्लस फाइव थी, और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने नाइट्रोजन की निकाली तो प्लस थ्री प्लस टू थी. यहाँ से आपको ये पता चला कि असल में तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो HNO2 के अंदर, HNO2 को आप सेपरेट करके यूँ लिख सकते हो H प्लस एंड NO2 माइनस वन. तो H प्लस का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, NO2 माइनस वन जो है ये यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है ऑक्सीजन नाइट्रोजन की. अलबत्त वहाँ पे एक दफ़ा प्लस फाइव और एक प्लस एक तरफ प्लस टू है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एक दफ़ा बढ़ भी रही है और एक दफ़ा कम भी हो रही है. तो यहाँ से आपको ये हिंट मिला कि इट इज़ सपोज टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपने काफ़ी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर. तो ये मैं रिडॉक्स रिएक्शन का एनालिसिस अब करने लगा हूँ. नीचे एक तरफ मैंने ऑक्सीडेशन कर दिए और एक तरफ मैंने रिडक्शन कर दिए. अब आपको पता है इसे नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपने इक्वेट करने होते हैं ना. ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नीचे दो ही इस्तेमाल होने चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन जाया तो नहीं करना आपने. सो यहाँ पे अगर मैं इस नीचे वाले को टू करता हूँ, इस पूरे को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टू हो जाएंगे एंड यहाँ पे भी टू एनओ हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स एड दीज टू टुगेदर. एंड बिफोर एडिंग आपको भी एक और काम भी करना है. क्या काम करना है? गुड, हमने इनको बैलेंस करना है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुए हुए इस वाले में. देखो राइट साइड पे ऊपर वाले इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन इक्वेशन में राइट साइड पे तीन ऑक्सीजन हैं, लेफ्ट साइड पे दो ऑक्सीजन हैं. तो एक लेफ्ट साइड पे आपको ऑक्सीजन बराबर करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, चूंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एसिडिक मीडियम के अंदर आपको वाटर ऐड करना पड़ता है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए. और जब एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से क्या होता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए हम H प्लस ऐड करते हैं. और बेसिक मीडियम में ये होता है कि आपको बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, OH डालना पड़ता है. ठीक है, और जब उससे ज़्यादा हो जाते हैं फिर आपको वाटर और OH इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप करते हो. ठीक है, अच्छा फिलहाल अभी हम यहीं पे वापस आ जाते हैं. ऊपर आपने यहाँ पे H2O डाल तो दिया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, इधर भी दो हैं, इधर भी तीन, इधर दो और एक तीन, इधर भी तीन, लेकिन हाइड्रोजन इधर ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पे आपको दो H प्लस डालने पड़ेंगे. सिमिलरली नीचे अगर आप देखो तो नीचे इस साइड पे चार ऑक्सीजन हैं और इस साइड पे दो हैं, तो यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको डालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे चार H प्लस भी आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स ऐड दीज टू टुगेदर. इन दोनों को मैं आपस में अब ऐड कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कौन कौन सी चीज़ें कट जाती हैं. मैं अब येलो से काटने लगा हूँ चीज़ें. ये कट जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइडों के ऊपर है. अच्छा, और पानी भी एक एच टू ओ यहाँ पे भी है और एक एच टू ओ दो एच टू ओ वहाँ पे है, तो यहाँ से मैं एक एच टू ओ काट देता हूँ और यहाँ पे दो के बजाय एक बच जाएगा. ठीक है, और काट तो हम कुछ नहीं सकते, और हम कुछ नहीं काट सकते. नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है. हाँ, एक और चीज़ भी कट रही है. यहाँ पे दो एच प्लस हैं, इनको आप यहाँ से हटा दो. ठीक है, और इस साइड पे आपके पास कितने एच प्लस हैं, चार एच प्लस हैं, तो यहाँ पे आप इनको दो कर सकते हो. ठीक है, या उससे बेहतर ये था कि आप एच प्लस को ना चेंज कर दें यहाँ से. यहाँ पे एक्चुअली आपको एक एच प्लस चाहिए बिना जो इस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा ताकि HNO3 बने, तो आप एक वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो और इस साइड से भी एक सब्ट्रैक्ट कर दो. यहाँ पे तीन छोड़ दो, यहाँ पे चार लिखे हुए थे ना. अब आप ऐड करो दो एक नाइट्राइट के साथ एक H मिलके एक HNO2 बनाएगा. ये असल में ओवरऑल तीन नाइट्राइट्स हैं और तीन ही H हैं, तो ये बेसिकली तीन HNO2 बन जाएंगे और ये ऐड होके एक H और एक NO3 मिलके एक HNO3 बना देंगे. साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा एंड साथ दो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएंगे. ठीक है, सो सिंपली यू कैन बैलेंस इट यूजिंग दिस मेथड. और इस तरीके से ये मैंने क्यों आपको सारी एक्सरसाइज करवाई, ताकि आपको इक्वेशंस याद रहें. अब आपको मेरे ख्याल में ये बात भूलेगी नहीं कि नाइट्राइट एक दफ़ा नाइट्रेट में चेंज होता है और नाइट्राइट एक दफ़ा नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है. आपको अगर सिर्फ यही बात अगर याद रख लेते हो आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने हैं. ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन जो नाइट्रस एसिड है उसके जो मज़ीद रिएक्शंस हैं
नाइट्रस एसिड के, उसमें जो रिएक्शन है एक तो एज एन एसिड, डेफिनेटली ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो. एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एज एन एसिड अगर मैं HNO2 को एक अच्छी बेस के साथ जो कि मसलन NaOH है इसके साथ रिएक्ट करवाऊँ, ये तो मुझे एक तरह से करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप तो काफ़ी इसमें फ्रीक्वेंटली ये पढ़ते आ रहे हो और अब तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़. एक सॉल्ट बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट विच इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड एंड साथ में HOH मिलके H2O बना देंगे. ठीक है, द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन यू कैन एवर स्टडी. और एक तीसरा रिएक्शन जो आज हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ना है वो ये है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन जिसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ हो. ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है, लेट्स से एक कंपाउंड है जिसमें एक चीज़ है A और उसके साथ लगा हुआ है NH2 और NH2 को अगर स्प्लिट करो तो NH2 इस चीज़ को कहते हैं, NH2 को केमिस्ट्री के अंदर हम अमीन ग्रुप कहते हैं, अमीन ग्रुप. ठीक है, अमीन ग्रुप की बहुत सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जो आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ोगे एंड गालिबन चैप्टर नंबर 12 एंड 13 के अंदर आप काफ़ी डिटेल के अंदर अमीन ग्रुप को स्टडी करोगे. अच्छा, सो लेट्स से कि दिस इज़ अ कंपाउंड और इसका आप रिएक्शन करवा दो विद HNO2. अब HNO2 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कैसा था, N के एक तरफ दो बॉन्ड्स थे ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ OH लगा हुआ था, यही पढ़ा था ना आपने. तो इन रिएक्शंस का रूल ये होता है कि ये जो यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, ये रिएक्ट कर जाता है इस A के साथ. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी NH2 के साथ जो दूसरी चीज़ लगी हुई थी ना वो इस OH के साथ रिएक्ट कर जाती है. या एक और जुबान में अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है ना NH2 के, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं H2O. ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये दोनों मिलके N2 गैस बना देते हैं. और ये जो A है और ये जो OH है, ये मिलके AOH बना देते हैं. ये तीन प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं. ठीक है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से रिएक्शन को समझना है. मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मसलन आपके पास यूरिया है फॉर एग्जांपल, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, CONH2 होल ट्वाइस, सी डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसके एक तरफ NH2 लगा हुआ होता है और एक और तरफ भी NH2 लगा हुआ होता है. और NH2 को आप अगर स्प्लिट करके लिखो, ये एक्चुअली नाइट्रोजन के साथ दो दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन ने बनाए हुए हैं. अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये रिएक्ट करेगा विद HNO2 के अंदर एक चीज़ क्या होती है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन और एक तरफ को OH लगा हुआ होता है. अब आपको मैंने ये कहा था कि जो NH2 के दो हाइड्रोजन्स और ये वाला एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये टूट के क्या बना देंगे, वाटर. चलो बना देते हैं, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. ये जनाब टूट गया, ये भी टूट गया और एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया प्रोडक्ट्स के अंदर, एक वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है अभी तक. फिर क्या होगा कि आपके पास नीचे भी तो इसी तरह 2H लगे हुए हैं ना, आप एक और NH2 लोगे और उसके साथ भी यही होगा कि उसका भी यहां से एक और टूटेगा, यहां से इसका ये वाला हिस्सा टूटेगा और ये दोनों मिलके H2O एक और बना देंगे. तो यहां पे राइट साइड पे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स अब हो चुके हैं, इसको मैं ऑरेंज से ही लिखता हूं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स राइट साइड पे अब तक बन चुके हैं. तीसरा काम क्या होगा, मैंने अभी आपको बात की थी कि ये वाला एक नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन मिलके एक N2 बनाएंगे और इसी तरह ये वाला और ये वाला मिलके एक N2 बनाएंगे. सो बेसिकली दो N2 बन जाएंगे और मैं लेफ्ट साइड से अब N2 भी सारे ख़त्म कर देता हूँ. ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्टली रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता, बट समझने के लिए मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो. अब जो आपके पास बच के है ना, ये मैंने आपको चीज़ कही थी कि CO के साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ होगा ना, आपने उसके साथ OH लगा देना. सो कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है, अब एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे आके लग जाएगा. यही बात मैंने ऊपर भी आपको की थी कि जो भी चीज़ थी A जिसके साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ था, उस चीज़ के साथ आपने आके OH लगा देना. तो अब इन द प्रेजेंट सिचुएशन, नीचे जो मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, इसके अंदर आपके पास OH ग्रुप आके लग जाएंगे इस चीज़ के साथ, क्योंकि दिस इज़ रिएक्टिंग एज A मॉलिक्यूल. ठीक है,
अब आपको पता है ये H2CO3 लिखा हुआ है एक्चुअली H2CO3 एंड डीकम्पोजेज डेफिनेटली इनटू H2O एंड CO2. तो एक H2O और एक CO2 एक्स्ट्रा बन जाएगा जब ये पूरा डीकम्पोज होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, ये एक H2O और एक CO2 में चेंज हो जाते हैं, दिस इज कार्बोनिक एसिड. तो एक और H2O बनेगा और तीन H2O बन जाएंगे टोटल, एक CO2 और एक नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा. आई होप यू कैन मेमोराइज दिस रिएक्शन नाउ. एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए बात याद रह जाए. एक और क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग क्या होता है, बेसिकली C6H6 को कहते हैं. अब C6H6 में से बेसिकली क्या होता है कि हर साइड पे हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, एंड ये जो मैंने रिंग बनाया है ये रिंग में सेंट्रली सारे कार्बन्स लगे हुए हैं. मैं इनको येलो से लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए. ये सारे कार्बन्स होते हैं, छह कार्बन्स होते हैं और छह ही साइडों पे हाइड्रोजन्स लगे हुए होते हैं, और हर कार्बन हर ऑक्सीजन कार्बन के साथ उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और फिर एक गैप के साथ फिर दोबारा एक डबल बॉन्ड, फिर एक गैप के साथ फिर एक डबल बॉन्ड, यानी ऑल्टरनेट लोकेशंस के ऊपर एक एक डबल बॉन्ड होता है. नाउ दिस इज C6H5. अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये C6H6 था, अब ये C6H5 बच गया, और इस वाले के ऊपर आके आप NH2 लगा दो. अब देखो एक अमीन ग्रुप है और अमीन ग्रुप एक बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाएगा C6H5NH2, और इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं अमीनो बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, या अमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. नाउ यू हैव अमीनो बेंजीन और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हो विद, सॉरी मैं इसके राइट साइड पे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए मैं क्या कहने लगा हूं अभी आगे. HNO2 के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, जो कि एक्चुअली ये चीज होती है. तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्या समझाया था मैंने, एक ये ऑक्सीजन और दो ये हाइड्रोजन मिलके पहली दफा एक तो H2O बनेगा, ठीक है. मैं राइट इनको हटा देता हूं यहां से, लेट्स सी पीछे क्या बच गया. अब फिर मैंने आपको ये कहा था कि ये वाला N और वो वाला N मिलके एक N2 बनाएंगे, गुड, ये भी एक बन गया, N2 भी एक बन गया, N भी यहां से आप इरेज कर दो. फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जो पीछे जितना हिस्सा बच जाएगा उसके साथ जाके OH लग जाएगा, एंड इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये जो पूरा था ये A के तौर पे बिहेव कर रहा था, C6H5 जो था, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा. एंड ये प्रोडक्ट अगर आप देखो C6H5 के ऊपर आके एक OH लगा हुआ है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब एक OH आके लग जाता है तो ऐसे कंपाउंड को फिर फिनोल बोला जाता है. फिनोल आपका चैप्टर नंबर गालिबन 11 के अंदर अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, ये पूरा आपका एक चैप्टर है जिसमें हम फिनोल्स की मुख्तलिफ फिनोल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे. अगर किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो इसको हम फिनोल कहते हैं, और तीसरी चीज आपके पास एक फिनोल बन गया, ठीक है. तो अगेन इसमें भी देखो, एक तो प्रोडक्ट इस तरह के रिएक्शंस में नाइट्रोजन लाजमी होता है, वाटर भी रिमूव होता है, और एक साथ एक तीसरा प्रोडक्ट भी नॉर्मली बन जाता है जिसमें OH लगा हुआ होता है. ऊपर आपके पास CO2 इसलिए बन गया था क्योंकि वो जो OH वाला प्रोडक्ट था ना वो डीकम्पोज होकर उसने CO2 निकाल दिया था अपने अंदर से. दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीएसिड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक इंट्रोडक्शन लिया स्टार्ट में, ठीक है, और फिर हमने देखा कि नाइट्रस और नाइट्रिक दो किस्म के ऑक्सीएसिड्स हैं. नाइट्रस एनहाइड्राइड जो है इट इज बेसिकली एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड, अगर इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो आपके पास वापस नाइट्रस एसिड रिट्रीव हो जाता है. इसके बाद हमने देखा कि बेरियम नाइट्राइड के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाए तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिससे आपके पास एक सॉल्ट बेरियम सल्फेट एंड साथ में नाइट्रस एसिड रिट्रीव हो जाता है. फिर इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो यह देखा कि एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो हर टेम्परेचर पर हो रहा होता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है नाइट्रस एसिड की, और नाइट्राइड नाइट्रेट के अंदर चेंज होकर HNO3 या नाइट्रिक एसिड बना देता है, और एक रिडक्शन हो रही होती है जिसमें नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा होता है, ठीक है. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पूरे को सॉल्व किया, इसको एनालाइज किया. उसके बाद फिर हमने देखा कि एसिड बेस रिएक्शन भी शो करता है नाइट्रस एसिड जिसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है. एंड फाइनली हमने देखा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें OH जिसमें NH2 या अमीन ग्रुप लगा हुआ हो उसके साथ अगर आप रिएक्ट करवाओ तो फिर आपके पास तीन किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक नाइट्रोजन, एक वाटर, और एक जो आपके साथ NH2 के साथ ग्रुप लगा था उसके साथ आके OH ग्रुप अटैच हो जाता है.
इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी अगेन ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO2, उसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर HNO2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करे तो वो किस किस्म के रिएक्शंस देता है, और अगर वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करे तो ये किस किस्म के रिएक्शंस